दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारा एमएस पेंट के ऊपर है। एमएस पेंट में आज मैं आपको क्यूब बनाना बताऊंगा। हमने एमएस पेंट ओपन कर लिया, इसके व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब के अंदर हम रूलर को ऑन कर लेंगे। इसके बाद फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके रूलर बार को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। अब इस वापस से होम टैब में आएंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बॉर्डर का साइज हम सेकंड नंबर ले लेंगे। दोस्तों, सबसे खास बात यह होती है क्यूब में कि हमें रूलर का यूज़ करना होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस रूलर की सहायता से ये देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे है, यहाँ से 8 से लेकर और यहाँ पे यानी 8 बाई 8 का हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया दोस्तों, अब मैं मेरे कर्सर को यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर जाऊँगा। ये देखिए, आप देखेंगे इधर ये मेरा कर्सर लेफ्ट साइड में खड़े हैं, इस पर ये 12 के बराबर है, ये देखिए रेड लाइन से, और इसी तरह से ये इधर स्टैंडिंग में ये 8 के बराबर है, जो कि रेड रेड मुझे दिखा रहा है। ये देखिए, मैं मेरे कर्सर को यहाँ पे पॉइंट पे रख के कीबोर्ड के एरो की से मैं इसको डाउन में ले लूँगा। ये देखिए, मेरे ये बिल्कुल रूलर इसके इक्वल आ गया है। अब दोस्तों, मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट टूल लूँगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर दूँगा। मेरे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और इसको कॉपी और पेस्ट कर दूँगा। कॉपी और पेस्ट करने के बाद दोस्तों, मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करूँगा। ये देखिए, आप भी अपने रेक्टेंगल को इस तरह से थोड़ा एडजस्ट करें कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको इस तरह से लगे कि पॉइंट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आपके सेट हो जाए। इसका ये पॉइंट है, ये माउस पॉइंट है 10x10 पे। ये देखिए मेरा, ये आप देखेंगे इधर ये 10 पे है, ये देखिए इसका ये 10 पे है और इधर से भी ये 10 पर है। इस तरह से आप इसको सेट करें। इसके बाद आप ये लाइन टूल लें, लाइन टूल से आप ये इन दोनों पॉइंट को मिला दें। ये देखिए दोस्तों, इस लाइन को, इन दोनों लाइनों को और इन दोनों लाइनों को मिला दें। मिलाने के बाद हमारे ये अंदर की लाइनें कुछ काम की नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। आप डिलीट करने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों, आप इरेजर टूल से भी डिलीट कर सकते हैं और ये सिलेक्ट टूल लेके भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके से ये डिलीट करना बता दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से आप इनको डिलीट कर दें, इन तीनों लाइनों को। अब हम क्यूब बनाएंगे। अब क्यूब बनाने के लिए बहुत इजी मेथड है ये। अब आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। बकेट लेंगे, सबसे पहले फ्रंट पे येलो कलर, साइड में रेड कलर, अब की तरफ आप ब्लू कलर भर दें, लेकिन आप आपका मनपसंद कलर भी भर सकते हैं दोस्तों। अब वापस से हम लाइन ले लेंगे, लाइन लेके हम ये ब्लैक कलर ले लेंगे। अब यहाँ से हम, ये देखिए मेरा कर्सर 10 पे है, ये देखिए, अब स्टैंडिंग में हम ये 10 के इक्विवेलेंट में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर एक ये लाइन, ये देखिए, ये दिख रही है 12, ये देखिए एक 12 के जो हमारा सेंटीमीटर में मेजरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन फिर एक ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद एक ये 14 के इक्विवेलेंट में ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह से हम इधर भी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ ये दो दो सेंटीमीटर के गैप के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप रूलर बार की सहायता से कि दो दो सेंटीमीटर का गैप बिल्कुल इक्वल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। ये देखिए, अब ये आप बहुत फास्ट अपने माउस चलाएं और बहुत ही जल्दी से ये इस तरह से ये देखिए, अब ये अप साइड में ये दबाने के लिए आप शिफ्ट दबा लें। शिफ्ट दबाकर सिर्फ आप ये लाइन, इन लाइनों के पॉइंट को दूसरी लाइनों के पॉइंट से मिला दें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पॉइंट मिल गए। अब इसी तरह से इस इधर की लाइनों को भी ये मिला दें। आप शिफ्ट दबाए रखें जिससे कि वो एंगल के अंदर मिल जाए। अब दोस्तों ये देखिए, अब एक लाइन इधर से इधर यूँ मिला दें। ये देखिए, शिफ्ट दबाए रखें, ये याद रखें आप, अब शिफ्ट दबाए रखें। ये देखिए, यदि कुछ गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड कर दें, अंडू दबा दें, अंडू हो जाएगा। ये देखिए, अब इस लाइन को इस लाइन से ये दबा दें। तो दोस्तों, इतनी जल्दी से ये देखिए आपका एक क्यूब तैयार हो गया। बहुत ही आसानी के साथ हमने बिल्कुल एक क्यूब तैयार कर दिया दोस्तों। इस तरह से आप
बहुत ही आसानी के साथ एमएस पेंट में क्यूब बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।